नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक जी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी कोई PDF एडिट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको आज यही बताने वाला हूं। मान लीजिए अगर आप भी PDF में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी और के नाम की जगह पर अपना नाम डालना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में इसी की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप भी PDF जो होती है उसको कैसे एडिट करें। तो उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना होगा, यानी आपको कैसे PDF एडिट करनी होगी। आपके फ़ोन में एक ऐप पड़ा होगा WPS ऑफिस। तो इसमें होता क्या है, आप इसमें अपनी PDF एडिट कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये प्रीमियम मांगता है। ठीक, यानी जब आपकी पूरी PDF एडिट हो जाएगी तो इसमें आपकी जो प्रीमियम होता है, ठीक, ये कुछ इस तरीके से प्रीमियम का जो पेज होगा ओपन होकर आ जाएगा। यानी कि वही आपको जो मंथली और ईयरली जो होता है, ठीक, उसी प्रकार से रुपये अपने मांगता है। तो आप इससे क्या कीजिए, या फिर इसका आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कीजिए, या फिर इसके लिए आपको कोई दूसरी जो है जुगाड़ वो बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। ठीक, जो लिंक मैंने ओपन की हुई है, इसका मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो वहाँ से आप उसको ओपन कर लीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सबसे पहले, ठीक, अपलोड PDF फाइल। तो यहाँ पर अपलोड करके तो यहाँ पर आपको ये कोई PDF सेलेक्ट कर लेनी होगी जिसको आपको एडिट करना है। तो यहाँ पर चलिए ये वाली PDF है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने PDF इसको सिलेक्ट कर ली है, तो आप जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी PDF है कुछ इस तरीके की PDF है, तो यहाँ पे ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, तो आप जो भी एडिट करना चाहते हैं जिस भी फ़ोन में होगी वो उसी फ़ोन में आपकी जो PDF एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो भी एडिट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये खुला हुआ है, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफर टू फ्यूचर, ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक। तो यहाँ पर आप भी कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर यानी कितना यहाँ से मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो ये इतना एडिट हो जाएगा, जहाँ पे जो भी लिखना चाहें आप, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। तो आप जो भी लिखना चाहें ऊपर नीचे यहाँ से पूरी आप PDF है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पूरी आप PDF यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसे आप जो भी हटाना चाहें हटा सकते हैं, बाकी आप जो भी एडिट करना चाहें यहाँ से, और बाकी आपको यहाँ फ़ोन के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए आपके जो फ़ोन है वो भी यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ से आप इनका साइज़ बड़ा घटा सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हैं आप यहीं से। और यहाँ पे आपके जो फ़ॉन्ट हैं अलग अलग को यहाँ से अलग अलग तरीके के जो फ़ॉन्ट होते हैं आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी फ़ॉन्ट लगाएं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे आप इसको हटा भी सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहें यहाँ से। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इसका कलर जो ब्लू था यहाँ पर रेड कर दिया है। बाकी यहाँ से आप बहुत और बाकी सारे फिल्म यानी से एडिट कर सकते हैं। आपको बता दें इसको सेव कैसे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए तो इतना यानी आपको एडिट कर लेना होगा पूरी, ठीक। एडिट करने के बाद आपको सेव करना कर लेना होगा, ठीक। तो उसमें आपको और बता दें कि यहाँ से आपको जो ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ऊपर भी ऑप्शन मिल जाते हैं, बस सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर अपने सिग्नेचर भी जो ऐड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए आप जो अपना जो भी नाम लिखना चाहें, यहाँ पे देखिए मैंने अपना नाम सुमित लिख दिया, ठीक। आप सिग्नेचर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो मैं फ़ोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ से मैं गया, मैंने जो सिग्नेचर की फ़ोटो है तो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ से देखिए जो सिग्नेचर की फ़ोटो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आ गई है, तो आपको इसको PNG में कर लेना होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए तो ये जो मेरी सिग्नेचर की फ़ोटो है यहाँ पे देखिए ये आ चुकी है, ठीक। फिलहाल यहाँ पे सही से आई नहीं है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से न्यू इमेज, ठीक। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं, आपको ऊपर से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको बताते हैं सेव कैसे करना होगा। यहाँ पर देखिए अप्लाई चेंज लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक। आपको देखिए ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आपको यहाँ पर कीप कर देना होगा, ठीक। कीप कर देने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, प्रोसेसिंग होगी, ठीक। तो आपको इसके बाद आपको एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, बाकी आपको नीचे यहाँ से देखिए ओपन का भी ऑप्शन आ रहा है और ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, और ये प्रिंट का भी और शेयर का आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मेरी थी PDF यहाँ से डाउनलोड होकर यहाँ से आप उसे ओपन भी कर सकते हैं।
तो यहाँ भी शायद देखिए, हाँ यह यहाँ पे भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन, यानी जो आपकी जो फाइल डाउनलोड ही है, यहाँ से आपकी फाइल जो हो शो हो जाएगी। दोस्तों यही थी छोटी सी वीडियो, तो आप भी कुछ इसी तरीके से PDF को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों यही थी छोटी सी वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।